रीवा भाजपा विधायक की बड़ी मुश्किलें, अदालत में पेश होने का दोबारा नोटिस जारी। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश निवेदिता के साथ। सिरमौर जनपद पंचायत कार्यालय में सीईओ के पद पर तैनात रहते हुए एसके मिश्रा के साथ हुई मारपीट के मामले पर सुनवाई करते हुए सिरमौर न्यायालय ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को दोषी ठहराया था। न्यायालय द्वारा विधायक त्रिपाठी के ऊपर 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा गया था। न्यायालय के द्वारा भेजी गई पहली नोटिस को विधायक नहीं ले सके, जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय को प्रतिवेदन दिया है कि विधायक से पुलिस की मुलाकात ही नहीं हुई और अब न्यायालय के द्वितीय आदेश पर पुलिस के द्वारा बीजेपी विधायक की तलाश की जा रही है। दोबारा नोटिस पर कोर्ट में हाजिर न होने पर विधायक के खिलाफ वारंट जारी किया जा सकता है। दरअसल 3 महीने पूर्व जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीईओ एसके मिश्रा के बीच फोन पर हुई तूतू मैमे का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद ऑडियो वायरल होने के चंद घंटों के भीतर जनपद पंचायत के सीईओ एसपी मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया। उसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहे। इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में नहीं हुए हाजिर तो पुलिस ने दिया प्रतिवेदन। न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसके तहत न्यायालय के द्वारा भेजी गई नोटिस के आधार पर बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी को 8 दिसंबर के दिन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होना था। उन्होंने न्यायालय के नोटिस की तामिली ही नहीं की, जिसके कारण पुलिस ने न्यायालय के समक्ष यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि किसी कारणवश वह जिले के बाहर थे, जिसकी वजह से उन्होंने नोटिस नहीं लिया। और पुलिस के प्रतिवेदन पर न्यायालय सिरमौर ने द्वितीय आदेश जारी करते हुए अगले दिनांक 22 दिसंबर को बीजेपी विधायक को कोर्ट में प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा है, जिसके बाद से पुलिस के द्वारा बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी की तलाश की जा रही है।